सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मंचासीन होने जा रहे हैं। वैदिक ब्रह्मचारी गण वैदिक ऋचाओं का गान करने के लिए उपस्थित हैं। आइए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के स्वागत में वैदिक ऋचाओं का श्रवण करते हैं। बटुकण ओम सहस्रसी लेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रा पाता सभो मिगुं सर्वातस प्रितवा त्रातिष्ठदसांगुलम् पुरुक एवेदगुं सर्वं जदभूतं जच्चाभाव्यं उतामेतत्वस्ये सानो जदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादस्य विषवा जन्यां बारे ही कि परो
पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु श्रीरामाय नमः श्रीरामभद्राय नमः श्रीरामचन्द्राय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीसीतारामाभ्यां नमो नमः अथ ध्यानम् ॐ मूर्धानन्दव अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निम् कविगोसाम्राजमतिथिं जनानामासन्न पात्रं जनयन्त देवाः ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः ॐ मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामावलिप्ता रौद्रानव रूपाः पाजन्याः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोघधे सोमो राजा विद्वान् गन्धं विलिम्पामि ॐ मक्षन्नमि मदन्तयव प्रिय अधोघतशोभानव विप्रानविष्टय मतिजोजान्विन्द्रते हरि अक्षतान् समर्पयामि ॐ मौखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पावतीः प्रसुवरीः अश्वाइव सजिद्वरि विरुदः पारयिष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखम्
कृतः ओरु तादश जद्वैष्यः पदिभ्याङ्गुशोद्र अजायत धूपम् आग्रापयामि ओम चंद्रमा मन सोजा तक्ष सूर्य अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यम पुरतो निधाय ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णद्योः समवर्तत पद्म्यां भूमिर्दिशः स्रोत्रात् नैवेद्यम निवेदयामि जलेन संप्रोक्ष ग्रास मुद्रां प्रदर्श्य ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम समर्पयामि उत्तरापोषानम समर्पयामि ओम जाह फलिनिर्जा अफला पुष्पा जास्त पुष्पिणे बृहस्पति प्रसूतास्ता न मुञ्चन् त्वगुहसः फलम निवेदयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्ततागृ भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविघा कृतायाः पूजायाः सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद् जगद्गुरवे नमः चरण कमल पादुकाभ्यां नमो नमः। अब श्री तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव का समर्चन होगा। हरि ओम बृहस्पते अति आदर्जो अरे आद्यो मद विभाति क्रतो मज्जने घो यति दश वसरित प्रजा तत दशमासो द्रवीण देहि चितराम श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए श्रीमद् जगद्गुरु भगवान की जय हो। इस प्रकार आज नवम दिवस की कथा में आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरण पादुका बड़े हो जाओ एवं वर्तमान जगद्गुरु श्री तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान का समर्चन जजमान परिवार के द्वारा किया गया। अब अधिक विलंब न करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ही प्रार्थना है कि आज नवम दिवस की कथा से हम सबको कृपा करने की कृपा करें पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। श्री मेरी कथा के पहले आज कथा का विश्राम है तो जरा चकाचक हो। अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक विदेशों में भी जिन्होंने भजन गाए हैं हमारे सुयोग्य शिष्य हैं श्री लक्ष्मीकांत शर्मा। श्री लक्ष्मीकांत शर्मा आप लोगों के गुरु भाई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं कि सुनकर लगता है जैसे गुदगुदा रहे हैं। तो चलते हैं श्री लक्ष्मीकांत शर्मा का ये गीत सुनेंगे फिर मेरी कथा होगी। बिना किसी विलंब के जल्दी से श्री लक्ष्मीकांत शर्मा श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरुर साक्षात्
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। वाह। बुराई का अंत करके भगवान श्री राम जब अयोध्या जी जाते हैं तो वहां के भक्त गण क्या गाते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार तुलसी सुभग सने बन सिया रघुवीर बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चौक पुराव क्या बात है, अरी माटी रंगाव आज राघव घर आवेंगे चौक पूरा वो माटी रंगाव आज मेरे राघव घर आवेंगे आज मेरे घर आवेंगे। क्या बात है, अरे सखी मंगल गावो राघव ये सवारी उतरेगी आज मेरे राघव की सवारी मी जिया लक्ष्मी जी
किया वो नजर उतारो आज मेरे राघव हर लक्ष्मीकांत जी सर्वसदान दीन सब काहू जही पावा राखे नहीं ताहू। मैं आज हमारी पोथी पर जो चढ़ा है वो मैं लक्ष्मीकांत जी को दे दे रहा हूं। वाह बेटा, और इस लड़के को अब हमें बढ़ाना है। वाह और बढ़िया ठीक। पादुका जी पर मानस जी पर जो चढ़ा था हम तो गिनते उनते नहीं, जो भी हो अब इनके जीवन में चकाचक कर देगा। बहुत अच्छा गाते हैं कन्हैया जी का गाते पर राम जी का भी आज बहुत अच्छा गाया। अब इनको राम जी का अधिक गाना पड़ेगा क्योंकि राजा तो राम जी ही हैं। जय हो। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणं मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र भगवान की हो। श्री रामचरित मानस बिमल कथा करूं चित चाए आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय पवन सुत हनुमान जी महाराज की। देखिए मेरी कोई सिद्धि नहीं है ना मेरा कोई चमत्कार है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और बहुत अकिंचन व्यक्तित्व है मेरा। सारा चमत्कार हमारे हनुमान जी का है। जय हो। मैं कैमरेमैन से कहूंगा एक ऐसा इधर दिखे सबको दर्शन हो जाए ऐसा कुछ करें। एक घटना बता रहा हूं इनकी।
ये घटना है 26 दिसंबर 1987 की। एक विद्यार्थी ने भूल करके हनुमान जी का मुख इधर कर दिया, इधर जिधर मेरा मुख है। उसमें मेरे पास सुवेदी जी भी नहीं थे। बहुत हरिद्वार की घटना है। एक घंटे तक मेरी कथा चली, सबने देखा कि हनुमान जी का मुख इधर था, इधर इधर ऐसे। मैं करके दिखाता, ऐसे ऐसे सबने देखा। क्या भगवान का प्रेम हनुमान जी का। एक घंटे के बाद सभी ने देखा, कुंड का मुख बिल्कुल बिना किसी आपत्ति के ऐसे हो गया, मेरी ओर हो गया। तब से हमने निर्णय ले लिया कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब प्रत्येक मेरी राम कथा में हनुमान जी रहेंगे, और यही हनुमान जी रहेंगे। तो मैं कैसे करूं सर, इसी ले लेंगे ना, उठाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ यार फूल लाओ, एक एक फूल। तो इतने सिद्ध हनुमान जी हैं ये। और इतनी राम कथा के श्रोता, हमारी हजारों श्री राम कथा सुन चुके हनुमान जी, कोई लाग लपेट नहीं, कोई बनावट नहीं। उनको न जाने क्यों मेरी कथा में आनंद आता। वो अब उनके बंदरे के जात उनसे के पूछे कहा तो है अच्छा लगे। जय हो। ऐसे हनुमान जी के चरणों में जो कैलाश खेर ने गाया था सूफी, उसको इन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा ने राम जी के लिए कहा, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में राघव जी के आने पर ही ये सब चौक पुराओ कन्या लक्ष्मी जिमाओ, ये राघव जी के लिए ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। चलते हैं। जब कथा विश्राम लेती तो हमारी अवधि भाषा बोल रहा हूँ तो बहुत मोह लगता है। जय हो। कि कल से थोड़ा सा विश्राम हो जाएगा, कथा के बिना मन नहीं लगता। कोई बात नहीं, फिर होगी कथा 1 सितंबर से, फिर होगी, फिर आनंद करेंगे। तो चलते हैं। हनुमान जी मुख्य श्रोता हैं इस कथा के, और हमारे बहुत प्यारे शिष्य हैं वात्सल्य भाजन प्रेम भूषण जी और उनकी धर्मपत्नी शोभा मिश्रा। तो पहले उन्हीं का नाम मुझे लेना चाहिए था, शोभा मिश्रा, फिर प्रेम भूषण जी। बहुत आनंद आ रहा है। अगली कथा क्या होगी उसकी सूचना भी मैं नहीं दे रहा हूं, अभी कथा के पश्चात चले। जय जय सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम राम हनुमान, सीताराम 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 राम।
सीताराम भगवान की जय हो। देखिए आज का दिन भी हमारे लिए बहुत पावन है। आज है श्रावण शुक्ल नवमी, श्रावण शुक्ल नवमी। आज ही के दिन, श्रावण शुक्ल नवमी के ही दिन दो सौ इकसठ वर्ष पहले, आज से 261 वर्ष पूर्व राजस्थान के सालासर में बालाजी हनुमान जी का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। जय हो। इतना सात्विक विग्रह, ये जो आप मानस मंदिर देख रहे हैं, सारी चौपाई लिखी हुई, मेरी कोई शक्ति नहीं थी, मैं तो मांगना भी नहीं जानता और किसी को चिताना भी मुझे नहीं आता। मेरा एक परिकर है, विरक्त शिष्य है, वो कहता कि जगत गुरु जी को चिताना नहीं आता। हमको बिल्कुल ठीक कहते हो। अब चेलों को चिताऊं कि अपने को चिताऊं, ये नहीं समझ में आता। इन्हीं हनुमान जी बालाजी महाराज, उनकी थोड़ी चर्चा करके फिर कथा कहूंगा। वहां एक संत हुए मोहनदास जी महाराज। मोहनदास जी अविवाहित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ब्राह्मण थे, तो वो अपनी बहन के यहां रहते थे। बहन विधवा थी, उसके दो बेटे थे। वो हल चलाते थे, हर चलाते चलाते यही कीर्तन गाते रहते थे, जो मैं हूं गाया। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। इस कीर्तन से हनुमान जी न जाने इतने क्यों प्रसन्न हो गए। सीताराम हनुमान का अर्थ आप जानते हैं ना, सीताराम और हनुमान नहीं, यहाँ बहु तत्पुरुष है, सीताराम जी के हनुमान। जय हो। इस इतने प्रसन्न हनुमान जी कि मोहनदास जी हल चलाते थे, जब थक जाते थे ना तो हनुमान जी अपनी पूंछ से उनको पंखा झड़ते थे। जय हो। इतने प्रसन्न हो गए और हनुमान जी ने मोहनदास जी से कह दिया कि मैं यहां आऊंगा और जितना हो सके अगर तुम्हारे भांजे राजों का कल्याण करूंगा। उसी दिन हनुमान जी आ गए, श्रावण शुक्ल नवमी को आए थे। और क्या वैभव हनुमान जी का, कितनी सात्विकता, कितनी सवामणी लगती है। हाँ, तो मैं जो कह रहा था, 2004 में ही मेरा अमेरिका जाने का कार्यक्रम था, उसी समय हनुमान जी ने वहां के पुजारी बजरंगलाल जी को और मुरलीधर जी को सपना दिया कि जाओ जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य से संपर्क करो और अपने स्थापना दिवस पर उनके मुख से मुझे वाल्मीकि रामायण की सुंदरकांड, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड सुनना है। उन्होंने किसी प्रकार मेरा पता लगाया, तब तो इतना इंटरनेट नहीं था नहीं, तो मैं उस उज्जैन कुंभ था, मैं वहां था। आए और बताया कि तो हनुमान जी आपसे सुंदरकांड सुनना चाहते हैं, वाल्मीकि रामायण का।
सपना दिया उन्होंने। तो मैंने तुरंत अमेरिका का कार्यक्रम कैंसिल किया कि जब हनुमान जी सुने तो अमेरिका क्या होते हैं? जय हो। और मित्रों, वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड मैंने वहां सुनाया, मैं क्या बताऊं, आज तक के इतिहास में ऐसी भीड़ किसी वक्ता के यहां कभी नहीं हुई। जय हो। पांडव कितना बड़ा पूरी व्यवस्था की गई थी, 3 किलोमीटर का परिसर भरा था। एक दिन लोगों ने गिना था तो टीवी की व्यवस्था की गई थी, 6-7 किलोमीटर तक भर, 7 लाख अंतिम दिन 7 लाख लोग श्रोता थे। उस समय सोचो आप, जय हो। अब आगे बताता हूं, मेरे मन में इच्छा थी कि मैं रामचरितमानस जी जो मैंने संपादित किया उनको मैं टंकित कराऊं, पर मेरे पास धन कहां था, विश्वविद्यालय भी बना रहे थे उन दिनों। उसी समय बालाजी ने, हनुमान जी ने एक परिकर को प्रेरणा दे दी और उन्होंने अकेले ने मुझे उस समय 1 करोड़ रुपया दिया। मैंने बनवाना प्रारंभ किया। और भी लोगों से धीरे धीरे मिला, पर 55 लाख रुपया घट रहा था। फिर उन्होंने कहा कितना घट रहा, मैंने कहा इतना घट रहा, लीजिए इतना और लीजिए, तो दे दिया। तो ये मानस मंदिर ये हनुमान जी की इच्छा से बना। जय हो। उनका ही मन था इसमें मंदिर, मानस मंदिर जी में चौपाइयां टंकित की जाएं, और वही हुआ। इनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। ऐसे बालाजी हनुमान जी महाराज को प्रणाम, आज के दिन को प्रणाम। अब चलते हैं कथा के लिए। पुण्य पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजी मीन को रोपा, पूरी लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजी मीन को रोपा, खर दूषण बध बहुरी बखाना, हर दूसर बध बहुरी बखाना, जिमी सब मरम दशानन जाना, जिमी सब मरम दशानन जाना। अरण्य कांड के 16वें दोहे पर्यंत भगवान ने उदात्त लीला की। अब ललित लीला का प्रारंभ होगा। भूमिका है सुपनखा जिम कीन कुरूपा। सुपनखा को जिस प्रकार भगवान ने कुरूप किया, सुपनखा रावण की बहन है, सुपनखा रावण की बहन। परिचय बहुत रोचक है। हमारे बाबा कहा करते थे कि नारी का परिचय पति से होता है, ये अमुक की पत्नी, कभी कभी बेटे से होता है अमुक की माँ, कभी कभी बाप से होता है अमुक की पुत्री। और ये विचित्र परिचय है, रावण की बहन है, इसलिए तो अब कहीं मैंने देखा तो नहीं, पर उन्हीं की बात कहता हूं। कहते थे कि इसके बेटे बड़े भयंकर हैं,
इसे चार बेटों को जन्म दिया। तो कहते थे सुपनखा के चार कुमारा, खटमल चीलर मसक जुआरा। जय हो। अब कैसे कोई परिचय देके, खटमल की माता जी कि चीलर की माता जी, मच्छर की माता जी, जुआ की माता जी। जय हो। और उसके पति को रावण ने मार डाला था, और पिता का परिचय ने तो और बदनामी होगी, पिता इतने अच्छे, इतनी दुष्ट महिला। इस उचित समझा कि जैसे रावण वैसे सुर्पणखा, जैसे रावण दुष्ट जैसे रावण परस्त्रीगामी, उसी प्रकार यह पर पुरुष गामिनी इसे सुर्पणखा रावण की बहिनी, बहुत दुष्ट महिला है। पंचवटी गई सोई के बारह, पंचवटी में आई, राम जी को देखकर देख विकल भाई, युगल कुमार हरे राम, युगल कुमारों को देखकर विकल, क्या किया जाए। बड़ा सुंदर रूप बनाया, भगवान के पास आई, बहुत मुस्कुराती हुई, हाय राघव लक्ष्मण का कौन है। राम जी चुप रहो, विदेशी महिला की विदेशी की लाज लाज विदेशी के लाजे, हाय ठीक है, इसको मुझे आज भारतीय हाय सुनाना है। जय हो। कहा कि तुमसे मेरा विवाह करने का मन है, और सुंदर मेकअप करके आई, न जाने किस ब्यूटी पार्लर में सेटिंग की थी मूर्ख ने, अरे प्लास्टिक सर्जरी करवाई, बाल बिल्कुल लाल हो गए थे, काले किए, नई दंतावली लगवाई, और नेल पॉलिश किए बहुत बढ़िया बढ़िया, नाखून बहुत बड़े बड़े थे उसके, सूप जैसे नाखून। तो भगवान ने कहा नहीं, सीते ही चीते कहीं प्रभु माता। सीता जी को देखा, कहा आहे कुमार मोर लखुराता, मेरे छोटे भाई जो कुमार हैं, कुमार का अर्थ अविवाहित नहीं, छोटे हैं। राज परंपरा में तीन तीन प्रकार के लोग होते हैं, राजा, युवराज और कुमार। तो भगवान ने कहा कि देखो अब तुम रानी तो बन नहीं सकती, क्योंकि सीता जी मेरी पत्नी है, रानी वही रहेंगी, युवरानी भी बनना संभव नहीं, क्योंकि यहां भरत जी हैं नहीं। अब लक्ष्मण जी इन्हीं को पटा लो तो कौरानी बन सकती हो तुम, इसे आहे कुमार, इसे देखो आगे कहेंगे ना, कर विनती समझाओ कुमारा। लक्ष्मण जी ने कहा देखो मैं नहीं स्वीकारता तुमको, मैं तो भगवान का दास हूं, अरे उन्हीं को पटा लो ना, मेरे पिताजी के यहां तीन तीन कम से कम इनके दो ही हो जाए, क्या बात, क्या बिगड़ जाएगा। वो राम जी के पास आई, लक्ष्मण जी कहा फिर भेजा, उसे क्रोध आया, सीता जी पर झपटी। तो भगवान राम ने कहा इसको काट दो, इसके नाक कान। जय हो। जब भारतीय संस्कृति की नाक काने काट रही है, काटो। सजा आता उत्तमो दंड आनुलोम्य तो मध्यम प्रातिलोम्य बध पुरुषो नार्या करणादि कर्तनम। राम जी क्षत्रिय वर्ण के हैं, ये ब्राह्मण की कन्या है, गलती इसी की है, इस नियम से इसके नाक कान काट दिए जाएं। लक्ष्मण जी ने काट दिया नाक कान, तहके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी बहुत प्यारे हैं, नटखट है, नाक कान काटा, और काटकर सुर्पणखा के हाथ पर ही रख दिया, ले लो, ले जाकर के रावण को दिखा देना। सुर्पणखा जी कीन कुरुपा। अब खर दूषण बध बहुरी बखाना, खर दूषण बहुरी बखाना, खर दूषण बध बहुरी बखाना, खर दूषण
प्रदूषण के पास आई, नाक कान में भय बिखरा रहा, क्या बात है बताया। खरदूषण ने 14,000 सेना के साथ आक्रमण किया। राम जी भी सजग, वीर रस का इतना सुंदर उदाहरण किसी साहित्य में नहीं मिलेगा। वीर रस का इतना सुंदर उदाहरण अरण्य कांड में 18वें दोहे के ऊपर छंद, आहा देख राम रिपुदल चलियावा, बेहस कठिन उदंड चढ़ावा। जय जय कोदंड कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत गुहर पर लरत दावे कोटि सो जुग भुजग जो कटित सिरी संग विशाल भुज कहि चाप बिसिख सुधार के चितवत मन हो मृगराज प्रभु गजराज माइक में थोड़ा सा इको आ रहा है उसको संभाल लो। भगवान इतने तैयार है युद्ध के लिए, को दंड कठिन चढ़ाए सिर जटा जूट बांधत सो क्यों। सिर पर जो जटा बांध रहे हैं भगवान इतना सुंदर लग रहा है मानो मरकत के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों के साथ दो सर्प लड़ रहे हैं। जय हो। तो खरदूषण ने भगवान को देखा, मोहित हो गए, अरे ऐसी सुंदरता तो कभी नहीं देखी थी। कहा यद्यपि हो बहुत अच्छी पंक्ति है, यद्यपि भगिनी कीन है कृपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी कीन है कृपा